संबल में पुलिस ने 3 पशु तस्करों को तमंचे, कारतूस, कार और पशु वध के औजारों समेत गिरफ्तार किया है। पशु तस्करों के 2 साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। एसपी ने पशु तस्करों पर गैंगस्टर लगाने के बाद कही है। हयातनगर थाना क्षेत्र में गाय चोरी करने के बाद उसका वध करने के मामले में ये 3 पशु तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। थाना हयातनगर की पुलिस के द्वारा आज ये 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके नाम जीशान, शादाब और रिजवान हैं। 24 अगस्त की रात को यहाँ पर एक गौ हत्या की घटना हुई थी, जिसके अवशेष, पशु के अवशेष ईंट भट्टे के पास मुजफ्फरपुर में मिले थे। उस घटना को वर्कआउट करते हुए इन 3 को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है तथा इसके साथ में अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं और इसके साथ में जो गौ को काटने वाले जो हथियार होते हैं वो इनके साथ में बरामद किए गए हैं। 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस इनके साथ में बरामद किए गए हैं। इन 3 को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इनके 2 साथी परवेज और सालिम नाम से अभी फरार हैं, उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग हयातनगर में ही इनके द्वारा एक गाय को काटा गया था और उसके बाद में उसके जो मांस है उसको यहीं पर लोकल बाजार में बेचा गया।